हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लिपिका अपडेट्स। आज हम लोग बनाएंगे बैंगन का भरता। उसके लिए मैंने यहाँ पे तीन बड़े बड़े जो बैंगन है उसे ले लिया है। उसे मैं से छोटे छोटे थोड़ा सा कट बना लेंगे, क्योंकि उसको हम जब भूनेंगे गैस पे ही भूनेंगे हम लोग, और उसके अंदर हम लहसुन डालेंगे, तो इसीलिए हम ऐसे छोटे छोटे कट्स कर ले रहे हैं। और बैंगन जो है आप कोशिश करें कि जिसमें मतलब होल ना हो वो वाला बैंगन में, क्योंकि अगर छोटा सा भी होल होता है इसका मतलब उसके अंदर कीड़ा होता है। और इस तरह से हम साइड स्लिट करके भी देख लेंगे कि उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह है कि नहीं है। हमने जो छोटे छोटे होल्स किए थे उसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे, ताकि हम जब बैंगन को भूनेंगे तो हमारा जो लहसुन है वो भी भून जाएगा और एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर, मतलब बैंगन में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये लहसुन को भी हम बाद में जो बैंगन का भरता हम बनाएंगे उसमें भी हम यूज़ कर लेंगे। और ये लहसुन की वजह से बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा। आप एक बार ऐसे कीजिए, मतलब बहुत लोग होते हैं कि ऐसे भी आप भून सकते हो नॉर्मली, पर अगर आप लहसुन डाल के भूनेंगे तो भुना हुआ लहसुन का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब हमारा बैंगन जो है तैयार हो गया है, हम इसको गैस पे जो है भून लेंगे। गैस पे जब आप भून रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से भूने, क्योंकि आग जलाने के बाद आप इसे डाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आप अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखें। अब हमारा जब एक साइड भून जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं अब हम इसको पलट लेंगे। बैंगन भूनने के लिए अगर बड़ा सा, अगर भट्टी वाला जो चूल्हा होता है वो सब होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा, और भी अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब अगर कोयला का चूल्हा होता है तो। पर गैस में भी बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाएगा और उसके अंदर हमने लहसुन डाला हुआ है तो बैंगन का जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। देख सकते हैं हमारा बैंगन कितना अच्छे से भुन रहा है गैस के ऊपर भी। गैस के ऊपर हमेशा आप इस तरह का एक जाली या फिर जिसपे आप रोटी सेंकते हो वो डालकर ही भुने, क्योंकि आप डायरेक्ट डाल देंगे तो एक साथ आप एक से ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे और आपका जो नीचे का जो गैस का जो मतलब क्या बताऊँ वो भी ख़राब हो जाएगा, जिससे जैसे गैस का जो पाइप का जो क्वालिटी होता है ना जिसके अंदर से गैस निकलता है उसके अंदर बहुत सारा चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा जो है इस तरह का एक जाली डालकर ही उसके अंदर आप भून लें। हमारा दो बैंगन अच्छे से हो गया, ये लास्ट वाला भी हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। और भरता बनाने के दूसरे मसालों में मैंने लिया है एक बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, और दो चार लहसुन की कलियां, और एक बड़ा टमाटर, और थोड़े से हरी मिर्ची, और थोड़ा सा धनिया भी मैंने यहाँ पे लिया है। अब हम बैंगन को जो है थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसको जो है इसका जो छिलका जो है निकाल देंगे। छिलका निकालने के लिए आप क्या करें कि एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी ले लें, और जब भी आप छिलका निकालें उसके बाद ठंडे पानी में हाथ डुबो लें, तो जो आपके हाथों में जो लग जाता है ना छिलका वो आसानी से उतर जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे छिलके जो है निकाल लिया है और इसको हम थोड़े से ऐसे बारीक से चॉप कर लेंगे। बस बड़े बड़े चंक्स रहेंगे तो ही अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा महीन भी इसका टुकड़ा नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी हम इसे जब भरता बनाएंगे तो वैसे भी ये और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पेस्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बारीक ही चॉप कर लें। अब हम कढ़ाई में करीबन 2 चम्मच तेल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों का तेल मतलब आप कोई भी अगर भरता बना रहे हो, अगर सरसों का तेल में बना रहे हो तो फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ट्राई कीजिए कि आप सरसों के तेल में बनाइए, वरना आप कोई भी नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल या फिर राइस ब्रान, सनफ्लावर ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। पर मस्टर्ड का तेल का जो एक मतलब स्मेल या फिर टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। उसका जो पंजेंट स्मेल होता है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है भरते को। एक चुटकी भर हमने यहाँ पे जीरा डाला है। जीरा हमारा अच्छे से मतलब जो है रोस्ट यानी क्रैकर हो गया है। अब इस स्टेज पे हम लहसुन को डाल देंगे। हमें भरते का जो मसाला बनाए बहुत ज़्यादा मतलब वो जो तरकारी जब हम जैसे बनाते हैं
जब या फिर कोई झोल उस तरह का अगर सब्जी बनाते हैं जो पूरा मसाले का पेस्ट होता है उस तरह का नहीं बनाना, बस थोड़ा सा कच्चा कच्चा, जैसे प्याज थोड़ा सा कच्चा रहेगा, लहसुन सिर्फ भुन जाएगा, मतलब उसका स्मेल निकल जाएगा, लेकिन उसका फ्लेवर सम रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे ज़्यादा मतलब वो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना, जब तक प्याज की थोड़ा मतलब फ्राई हो जाए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तब तक ही बस फ्राई करना है। ये झटपट से बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब आप देख सकते हैं प्याज बस आपको 1-2 मिनट ही चलाना रहता है और ये अच्छे से प्याज जो हो गया है। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। हमेशा नमक, आप जब भी आप प्याज भूनने में अगर नमक डाल रहे हैं, प्याज थोड़ा होने के बाद ही नमक डालें, क्योंकि क्या होता है कि आप पहले ही नमक डाल देंगे तो प्याज पानी छोड़ देगा और प्याज पकने में और भी ज़्यादा टाइम ले लेगा। अब हम इसमें हरी मिर्चें हमने सारे के सारे डाल दिए हैं। हरी मिर्चें मतलब आपके स्पाइस लेवल के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर टमाटर लिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इस रेसिपी में फ्लेम को लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम टू हाई ही रखें तो ही अच्छा बनेगा, क्योंकि आपका मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं हो जाएगा। अगर आप लो पे रख देंगे तो बहुत ज़्यादा बॉयल होके मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मुशी सा बन जाएगा, तो इसीलिए आप मीडियम टू हाई फ्लेम रखें। हमने थोड़ा सा ढक दिया था ताकि टमाटर जो है थोड़ा सा जल्दी से गल जाए। अब देख सकते हैं हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट हो गया है। अब इस स्टेज में हम इस पे देंगे थोड़ा सा हल्दी, करीबन 1/2 चम्मच। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आपके स्पाइस के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे करीबन 1/2 चम्मच लिया है। और इस लाल मिर्च मतलब ये कश्मीरी मिर्च है, ये ज़्यादा तीखा नहीं करेगा, बस थोड़ा सा मतलब दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैंने डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऑप्शनल है, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि धनिया पाउडर का एक अच्छा स्मेल आता है। आप अगर इसे इग्नोर भी करें तो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले को बस थोड़ा सा टमाटर और प्याज के साथ हमें मिला लेना है। अब हम जो हमने बैंगन जो रखा था उसको डाल के इस मसाले के साथ मिला लेंगे। बैंगन को आप पूरा धोकर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि थोड़ा वो बहुत जो छिलका या फिर थोड़ा जो काला कलर रह जाता है तो उससे अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आता है, तो हमने उसे पूरा धो के ऐसे क्लीन स्वाइप नहीं कर दिया। और एक ध्यान रखें, जब भी आप बैंगन मतलब आप भून रहे हैं, भूनने के बाद आप सीधा उसे, बहुत लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी में डाल देते हैं, आप उसे मत डालिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि रबरी बन जाएगा वो। अब इसमें हमने स्वाद अनुसार थोड़ा नमक दिया है, क्योंकि हमने प्याज के बाद इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं दिया था, तो उसके बाद हमने टमाटर डाला है, बैंगन डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा बैंगन का भरता जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और लास्ट में गरम मसाला डालने से थोड़ा सा अच्छा और अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए मतलब खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस यहाँ पे गरम मसाला डाला हुआ है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला हुआ है। इस स्टेज पे मैंने गैस ऑलरेडी ऑफ कर दिया है। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे ज़्यादा कुक ना करें, ताकि मतलब धनिया पत्ता का फ्लेवर जो है उस पर बना रहे। देख सकते हैं हमारा भरता जो है कितना गरम गरम बैंगन का भरता अच्छे से बनके तैयार हो गया है। आप इसे रोटी राइस किसी के साथ भी ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लिपिका ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसको क्लिक करना ना भूले। थैंक यू।